अपर विकास। सौ के अंदर लगभग 1,500 डेढ़ हजार नहीं 90,000 और 45 मिनट का खेल, ऐसे ही तो 45,000 45 मिनट हर उधर 45 मिनट या 45,000 की बात कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका, सुनील के साथ जिस तरीका का वही चाचा बोलते प्रथम गोलदाता के को तो 300 हाँ तो 300 ही दिया हमें, बातें देखा जावे गोल से। और पंकज संजय के लिए बहुत ही सुंदर संकेत को निकाल रहा है, लेकिन वहां पर रंगलाल और पूरी तरह की विनती करूंगा। शुभ संध्या मेला में जो अंतिम मुकाबला है, जो भी दर्शक के जमीन पर बैठे आप सब से निवेदन है टच लाइन से एक हाथ पीछे बैठे ताकि टच लाइन दिखता रहे असिस्टेंट रेफरी को, किसी भी खिलाड़ी को या असिस्टेंट रेफरी को दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। तो आगे तक मोरा है ओखने रेडी नहीं फूल चा माना तो अपर विकास, किंतु लक्षण तो लक्षण करे लक्षण गार दिए छे से गार का बोलते पैरा दिबो नहीं और बोल बातों को ही खुलासा करना जा रहा हूं। सोकेदर प्रत्येक साल अच्छी अच्छी टीमों का नामांकन होता है और लगातार हम कह सकते हैं 3 सालों तक, इस साल मिला के हम 2024 मिला के आमला कांड की बात करें चाहे ठीक बाबाड बाबा सोना बाबा के टीम की बात करें, लगातार इस टूर्नामेंट में प्राज को दबादरी को पेश किए हैं और 2021 सत्र की बात करें आमला टीम बड़ा अब तीन लोग स्पोर्टिंग का टीम के साथ मुकाबला खेला गया था, कहे या बाबाड बाबा बाबा सोना बाबा इस सीजन अपनी टीमों के लिए नामांकन दर्ज कराई है। तो जी हाँ, गत वर्ष टीम महाली पदस्थ की ओर से चैंपियन टीम बनी थी और ठीक हाँ आंवला ग्राउंड भी इसी प्रकार इस ग्राउंड में पुरस्कार का हकदार बने थे और जी हाँ आज भी द्रोही टीम पुरस्कार के दावेदारी को पेश किए हैं। फिलहाल ऐसे ही फल का मैच चल रहा है, लेकिन आप देखने वाली बात है कि पुरस्कार बहुत ही बड़ा है, अंतराल बहुत ही बड़ा है। टीम हेमरम जैसा लगा हम बंद करके दिए थे, अरे इधर बुद्धि सर के द्वारा पंकज के लिए, पंकज युवा है लेकिन अच्छे अनुभव इनके पास, लेकिन रंगलाल सामने है और मैं तो कहूंगा सुजीत ये मुकाबला आज का महामुकाबला बहुत ही बेहतरीन मौका मिला था सुशील को, हुई बड़ी चुप देखकर विकास बहुत ही करीबी मामला। तीसरा ऐसा मौका था गेंद को पास करने में सफल भी हुए सुशील पंकज फागु देखकर पंकज अच्छी शॉट, लेकिन सुशील वहां पर गलत करने का प्रयास किए थे, लेकिन तरुण बहुत ही चतुर गोलकीपर है, उन्होंने आराम से गेंद को अपने पाले में लिए। बार बार बार
एक सज्जन का छोटा सा बच्चा खो गया है, यह 3 साल का बच्चा है। कृपया किसी भी सज्जन का अगर वो बच्चा रोता हुआ मिल रहा है कहीं भी, तो उस रोते हुए बच्चे का आप कबड्डी पंडाल में लेके आएंगे। उसका गार्जियन उसका इंतजार कर रहे हैं पंडाल में। लो कल भीम बोलते सबके तो 300 टका तो भेजो। अरे सुजीत जी, तो वही बात हुई क्या? दुश्मन की आंखों से सुरमा चुरा लिए और दुश्मन को पता भी नहीं चला, यानी कि लखन को पता नहीं चला, मुखदर्शक बना रहे कि क्या हुआ? बोलछे बाबू, भीमेर गदा जखन दुर्योधन के बचात नहीं पाल लो महाभारत दुर्योधन के, तो ये भीमेर 100 এখন বলছে 400 টাকা দেবো। আমাদের চাচা বলছে যে বরাবরই গোল করবে, কেন কি চাচার একটা ডর আছে যে আরো যে গোল করবে। গ্রাউন্ডে মানে ওরকম কিছু কিছু গ্রাউন্ড আছে কি যথাই ওরকম ভালো ভালো ফুটবল হয় আর তিনি যান আর খেলাড়িকে তিনি উৎসাহিত করেন, ওনার মনোবল বাড়ান এরকম টাকা দিয়ে করার। চাচা কোনো চোর চামারের টাকা নাই আনে, সাইকেল গাড়িয়ে এটা বলতে পারবে যে না এটা ঘামপুচা ধনেই দিচ্ছে, কোনো 2 নম্বরের পয়সা নাই। সেই জন্য আমি চাচাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিই যে তিনি খেলাড়ির জন্য মনোবল বাড়ুক, সেটার জন্যেই 300, 400, 500, 800, 1000, 5000 এরকম বড় বড় ময়দান ঘুরাই দেন। তো সেই হামেশা উসকে পকেট মে মানি বড়া হ্যাঁ, ধন বড়া হ্যাঁ। देखने वाली बात होगी। और एक अच्छा मौका इंद्रजीत के पास, सुनील के लिए गति ज्यादा थी, हालांकि ऊपर फुटचान होंगे ठकुर समय लिया, लेकिन सेटिंग पास दुलू के लिए रची लैपटॉप शॉट आकाश के द्वारा हिट करके बाहर करने का प्रयास, लेकिन इंद्रजीत सुनील और सही हेट लगी नहीं आने था। प्रथम मुकाबला पंकज बहुत सुंदर पांच मौका बनेगी, मामला थोड़ा सा करीबी लादेन के पास गए। लादेन अंतिम समय पर मनोबल उसका टूटता हुआ जैसा लगा, थोड़ा सा बौखलाए। और बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कभी भी मैदान में प्रैक्टिकली मैच नहीं होती है, रियलाइज होती है, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में एक ही बार आपको मौका मिलता है। रियल लाइफ में बार बार रिटेक करने का मौका मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में रिटेक करने का मौका नहीं मिलता है। अरे बड़ी चुक माना जाएगा। देखें फुटबॉल में या किसी भी खेल में, जैसे क्रिकेट में कम स्कोर से आप नहीं जीत सकते, उसी तरह फुटबॉल में जो जरूरी नहीं कि आप 1 गोल से जीते, 1 गोल बड़ा इसको नहीं माना जाता फुटबॉल में या हॉकी में। आप देखें सुशील बहुत ही सुंदर तालमेल, लेकिन दोनों की तारीफ करनी होगी, अच्छी इंटरसेप्शन, अच्छी टाइमिंग। हालांकि एक बार देख रहे थे रेफरी को, लेकिन उन्होंने सुनील को देखा विक्रम ने। और इसी के साथ प्रथम हाफ समाप्त हो चुका है, तुमको बढ़ता इस बार सुनील लोहार की आखिरकार गेंद के लिए सुंदर सा गेंद को रेफर किया, यहाँ पे किक आई थी। अतवार खिलाड़ी लखन है, यानी कि महाभारत और रामायण की जब बात करें तो क्या और आते ही सबसे पहले ही गलत पास कर बैठे
पंकज। अब जैसे ऋषिश के हाथ में आई गेंद, शायद वहां हैंडबॉल नहीं भी देते, लेकिन पंकज को ही गेंद आराम से मिली और वहां अटैकिंग बन रही थी। अच्छी गोलकीपिंग, और कहीं पे सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे सरेकला खसवा जिला परिषद जिला अध्यक्ष सोना गया है, तो पत्ता को नहीं खोला गया है। और मैंने इस बात को पहले भी आपके प्रति बातों को साझा जरूर किए थे, क्योंकि तीन सालों में एक टीम को मैंने देखा कि प्रांत के दर्द जरूर पहुंचा है, प्रांत के दर्द को पेश की है, लेकिन आज इस बात को हम लोग हम तक गुप्त सूचना कहें या खुलासा नहीं हो पाया है कि बाबा बाबा सोना बाबा आखिर क्या चीज है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप जटिल ज्यादा देर बैठे, अभी भी खतरा फैलाने ये मौका बनेगी, लेकिन विकास के सामने आकाश से 50-50 के माइनस में थोड़ी बहुत चोटें होने का भी संभावना होती है, इसलिए लोग खड़े रहे। तरुण दुलू के लिए इंद्रजीत, विकास चतुर सोनी, बहुत सुंदर तालमेल का नजारा। इसमें क्या होता है कि सुजीत भाई इस तरह का टैकटी की खेल खेलते हैं तो खिलाड़ी बहुत कम थकता है, आपको कम एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है, जब भी कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाते हैं और हैंडबॉल आई हुई है करते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा पानी का छिड़काव होता है। बराबर होवे कि नहीं कहने की विकास बाबू एटा दूसरा गोला निजे द्वार व्यक्तिगत गोल जो दी पत्ता खोल के दिखा दिया। और मैं सही में एक बार एक कमेंट आया था व्हाट्सएप में, क्योंकि अभी व्हाट्सएप ग्रुप बहुत चल रहा है, कि अमित मातो खिलाड़ी नहीं शेरों को पालता है, ये बात सटीक बैठती है सुजीत जी, क्योंकि खिलाड़ी की बात करें आज तो पूरे मैदान में कहीं भी किसी के क्षेत्र में कम करके उन्होंने खेल पेश नहीं किया किया, जो कि बहुत ही मजबूत टीम थी इसका 11 फुट पानी, लेकिन विकास के बैक टू बैक वहां तो दो गोल हुई थी।
बिल्कुल अच्छी प्रयास, अच्छी सोच, अच्छी नेक। राधा केदार ठाकुर ने सोचे कि दोनों पीछे हैं तो क्यों ना दोनों को दिया जाए। फिलहाल इस बार मौका बन सकता है विकास के लिए, लेकिन बहुत जितने में सफल नहीं हो पाए खिलाड़ी। विकास ना है, हालांकि किसी तरह देखे कि आवागढ़ की गेंद थोड़ा सा तंग कर रही है सावर स्पोर्टिंग के लवाना कारण, और गेंद को सही रिसीविंग में सही तालमेल नहीं बना पाए। अच्छा एक मौका बन सकता था फिलहाल, लेकिन लीड होने की चांसेस थी यहाँ पे। आखिरकार गोल कीपर को अच्छे बचाओ, और कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा है, कुछ ही देर पहले हम लोग घोषणा किए थे कि कल समापन की बात करें तो उसे को मद्देनजर रखते हुए कल 9 बजे एक सटीक समय दिया गया कमेटी परिवार का ओर से कि आपको 9 बजे आना है। किसी भी हाल में जो टीम अगर 9 बजे नहीं पहुंच पाती है तो हम क्षमा चाहते हैं। समय के मैदान में जब 7 बजे कहा जाता है टीम 7 बजे पहुंचती है, जोजोड़ी में 7 बजे पहुंचती है, और ये तो इतनी बड़े टूर्नामेंट में आपको तो 9 बजे किसी भी हाल में आना है। और आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि कल टीम जरूर 9 बजे पहुंचेगी। झारखंड एफसी झारखंड बनाम यूपी स्टार क्लब और द्वितीय मुकाबला जीएस ब्रदर्स बनाम सुई शुभम को। और इसी के साथ आज का खेल समाप्ति, और शुभ संध्या वेला में आप